Right. We had one लेक्चर बिफोर दिस, ये आज सेकेंड क्लास है. हमने डूज एंड डोंट्स किए थे. हमने ये कर लिया था 10 मिलियन पीपल डाइड इन वर्ल्ड वॉर वन एंड वर्ल्ड वॉर टू, इसकी प्रेसी बना ली थी. ओके अब हम आते हैं प्रोसेस के ऊपर. 3 दफा प्रेसी पढ़नी है, उसके बाद आप सारा पेपर क्योंकि कर चुके हैं तो आप पीस ऑफ माइंड में हैं. हाँ, एक एक सेंटेंस हमने करना है. बैक साइड पे हम अपने सेंटेंसेस बनाएंगे एंड वंस वी आर डन वील शिफ्ट टू द नीट साइड. ठीक है, अब आते हैं हाउ टू काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स. डिड वी लर्न हाउ, डिड वी डू दिस? हमने प्रैक्टिस किया नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करना. ओके आपका कोई भी पैराग्राफ है, ठीक है, जो आपको प्रेसी में आएगा, ये आपका फॉर इंस्टेंस एक पैराग्राफ है. ठीक है, इसके स्टार्ट में ये इंडेंटेशन है, ये जो स्पेस है दिस इज इंडेंटेशन. ठीक है, इसको हम इस लाइन को नहीं लेंगे क्योंकि इंडेंटेशन शोज कि ऑलरेडी इसमें एक वर्ड मिसिंग है, तो ये ऑलरेडी इसमें नंबर ऑफ वर्ड्स कम होगा. लेकिन बाकी जो लाइंस बराबर हैं, इन लाइंस में से कोई भी एक लाइन रैंडमली सिलेक्ट कर लें. फॉर इंस्टेंस आई सिलेक्ट दिस वन, एनी लाइन ऑफ योर चॉइस, और उस लाइन के नंबर ऑफ वर्ड्स को काउंट कर लें. 1 2 3. अभी देखें, सिलेक्ट अ लाइन मेरे पास क्रीम की बुक है. एनी एनी पैराग्राफ बच्चे, आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ टू काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स. ठीक है, काउंट वर्ड्स इन दैट लाइन, एक लाइन में. फॉर इंस्टेंस मैंने काउंट किए और मेरे बन गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मेरे वर्ड्स बन गए 10. आई काउंटेड द वर्ड्स इन वन लाइन एंड दे आर 10. नाउ आई काउंट द टोटल नंबर ऑफ लाइन्स. पहले मैंने एक कोई भी रैंडम लाइन चुनी और उसके नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट किए. अब मैं टोटल लाइन्स काउंट करूंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. फॉर इंस्टेंस दे आर 30. फॉर इंस्टेंस टोटल लाइन्स आर 30. यस, व्हाट हैप इंक्लूडिंग लाइन नंबर वन. ठीक है, व्हाट हैपेंस इज 30 मल्टीप्लाई बाय 10. 30 मल्टीप्लाई बाय 10 का मतलब कि एक लाइन में 10 लव्स थे तो 30 लाइनों में कितने लव्स होंगे? 30 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल्स टू, सॉरी मैंने 30 ली, 300. 300, इसका मतलब यह है कि अप्रोक्सीमेटली अंदाजन इसमें 300 के करीब वर्ड्स है. किसी लाइन में 10 होंगे, किसी में 9 होंगे, किसी में 8 होंगे, किसी में 12 होंगे, लेकिन अंदाजन इस पैसेज के अंदर 300 वर्ड्स हैं. पैसेज बहुत लंबा होता है, हाँ पैसेज बहुत लंबा होता है, इसीलिए उसको अप्रोक्सीमेट वर्ड्स निकाल लेते हैं. डजंट मैटर, चेकर को समझ आ जाएगी. आपकी 300 है, किसी के 302 होंगे, किसी के 301 होंगे, किसी के 305 होंगे, किसी के 480 नहीं हो सकते. वो 10-15 वर्ड्स के अंदर रेंज के अंदर अंदर ही रहेंगे. तो चेकर को समझ आ जाती है कि आप यू आर एक्चुअली वेल विद इन द रेंज. ठीक है, अब हमने प्रेसी बनानी होती है 1/3. सो 300 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 1/3 निकालना है. दिस इज इक्वल्स टू 100. तो हमारी प्रेसी जो है वो 100 वर्ड्स की होनी चाहिए. ये होता है कि आपने उसको डिवाइड बाय 3 किया तो आपका 1/3 निकल आएगा. ठीक है, और वो आपकी प्रेसी होनी चाहिए. अब बात यह है कि आप रोबोट तो है नहीं कि 100 कहा तो आपका एग्जैक्ट 100 होगा. आपको जितना बता रहे हैं आपकी एग्जैक्ट उतनी प्रेसी होगी. तो हमें उन्होंने थोड़ा सा अलाउ किया होता है, रिलीफ दिया होता है, वो ये होता है प्लस एंड माइनस 5. आपके 100 वर्ड्स होने चाहिए तो 100 माइनस 5 इज 95 एंड 100 प्लस 5 इज 105. ठीक है, अब आपको ये दोनों चीजें अलाउ, तो ये बन जाएगा 95 to 105. You'll have this range. आपका 1/3 जितना भी आता है उसमें माइनस 5 और प्लस 5 करके आप अपना एड करेंगे, आप अपनी आपकी प्रेसी उस रेंज के अंदर अलाउड है.
If you write a pressio of 96 words, it's okay. If you write a pressio of 104 words, it's okay. If you write a pressio of 105 words, it's totally okay. But if your pressio is 106, then it is overwritten. And if it is 94, it is underwritten. ठीक है? तो pressy has to be exactly within this range, plus and minus 5, उससे ज़्यादा नहीं. अच्छा जी, arrangement of ideas बता चुकी हूँ. You're allowed to change the sequence as long as your connectivity is not disturbed. ठीक? Let's do an example. There were dogs, cats, hens, ducks, geese, and pigs barking, squealing, crowing, quacking, and growling all over the farm yard. जी, please make a pressy of this. अच्छा, अभी हम आगे जितनी भी pressy काफी सारी practice करते जाएंगे examples. We will not focus on the number of words right now. क्योंकि एक ही जुमला होता है उसके अंदर number of words अभी हम focus नहीं कर सकते. अभी सिर्फ do's and don'ts बाकी जो है ना number of words ignore करके. इसमें से क्या चीजें omit करनी है, क्या चीजें add करनी है, pressy कैसे बनानी है. Number of words के अलावा बाकी हर चीज फिलहाल focus करें. नंबर ऑफ वर्ड्स का पूरे पैसेज के अंदर तो ख्याल किया जा सकता है, एक सेंटेंस के अंदर इट्स वेरी डिफिकल्ट. ठीक है, इग्नोर द नंबर ऑफ वर्ड्स. उसके अलावा ग्राउलिंग इज साउंड ऑफ ओनली वन एनिमल. डिफरेंट एनिमल्स वर मेकिंग नॉइज इन द फार्म यार्ड. ऑल द फार्म एनिमल्स वर मेकिंग नॉइज. गुड. नंबर ऑफ एनिमल्स मेकिंग साउंड्स करेक्ट. There were a lot of animals making noise, lot of voices of animals in the farm. Different animals were making noise. Animals were making noise in the farmyard. Animals making noise in the farmyard. Number animals. ये आप लोग जो लिख रहे हैं lot of animals making noise in the farmyard. It's just a chunk. It's just a phrase. Please write full sentences. Different animals were making different sounds in the farm. अब ये पूरी बात लिखें. हमने चंक्स में छोटी छोटी बातें बीच बीच में. देर आर एनिमल्स, डिफरेंट एनिमल्स आर क्रोइंग इन द फार्म. क्रोइंग तो एक एक की आवाज है ना, इसी तरह जैसे किसी ने ऊपर भी बोला एक जानवर की आवाज तो नहीं लिखती ना. अब बात यह है, आपने एक बात नोटिस करनी है. रीड द सेंटेंस अगेन. डॉग्स, कैट्स, पिग्स तो ठीक है, एनिमल्स हो गए. वट आर हैंस, डक्स एंड गीज? आर दे नॉट? नो बच्चे, फार्म यार्ड इज अ नाउन, इट्स नॉट अ प्रॉपर नाउन. अगर मैं कहती फार्म यार्ड का कोई मैं नाम लिख लेती, मलिक हाउस, मलिक फार्म हाउस इन इन के पी या फलाना, वो फिर प्रॉपर नाउन हो जाता, फिर उसको मैंशन नहीं करते. फार्म इज ओके. तो बर्ड्स आपने क्यों इग्नोर कर दी? देर वर सम पीपल हु नोटिस्ड इट एंड रोट इट डाउन हेयर. प्रेसी में यही कर जाते हैं कि एक चीज को फोकस करते करते दूसरी का फोकस हट जाता है एंड वी ओमिट सच थिंग्स आउट ऑफ आर प्रेसी विच शुड हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट. हाँ, डिफरेंट एनिमल्स एंड बर्ड्स वर मेकिंग साउंड इन द फार्म यार्ड. ठीक हो गया. अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं. फिगरेटिव language is to be ignored. Figurative language क्या होती है कि आप novels पढ़ते होंगे. ये literature का एक काफी important tool है to grasp the attention of a reader. वो simple एक बात होगी और उसको इतनी कहानी बना के लिखेंगे कि सूरज गुरूब हो रहा था, उसकी किरणें फैली हुई थी, चार हर सू फैली हुई थी, और वो गुलाबी सा जो आसमान था उसके उसका
ढलती हुई शाम थी, और एक बंदा जो था वो एक दरख्त के साए तले बैठा सता रहा था, और परिंदे चहचहा रहे थे और हवाएं सरसरा रही थी। अब बेसिकली इस पूरी कहानी में बात क्या थी, शाम का टाइम था, एक बंदा दरख्त के नीचे बैठा था, दैट्स इट। तो आपको फिगरेटिव लैंग्वेज प्रेसी के अंदर बहुत ज्यादा आएगी। हाँ, सीन कई दफा इंसानों के बारे में होता है, उसकी जुल्फें लहरा रही थी, उसकी आंखें चमक रही थी, उसके बाल ऐसे थे, उसके हाथ ऐसे थे, मतलब तो आप सिंपल कहेंगे कि यार एक प्यारी लड़की थी। आपको समझ आ जाएगा कि अच्छी तारीफ कर रहा है या बुरी बुरी कह रहा है, तो आप कहेंगे जी एक बहुत बदसूरत लड़की थी। हाउएवर ही इज एक्सप्लेनिंग, लेकिन ये फिगरेटिव लैंग्वेज होता है। फिगरेटिव लैंग्वेज हम ओमिट करेंगे, इसकी एक एग्जाम्पल करते हैं। मैमल्स वगैरह मुश्किल है ना बच्चे, इस तरह नहीं लिखना, बस एनिमल्स एंड बर्ड्स लिखना है, सिंपल, ठीक है? अच्छा जी, आई फील दैट द एम्बिशन विच वी रीच एंड द सक्सेस फॉर विच वी प्रिपेयर आर वेरी ऑफन नथिंग बट मिसिंग ऑफ अ सिंपल रोड, अ ट्रबल्ड वॉन्डरिंग अमंग थॉर्न्स बाय पाथ एंड डार्क माउंटेन्स। अब ये सारी फिगरेटिव लैंग्वेज, आप इसके पहला पार्ट देखें, आई फील दैट द एम्बिशन विच वी प्रीच एंड द सक्सेस फॉर विच वी प्रिपेयर आर, यहां तक ये बात समझ आ रही है कि जी हम कॉमनली जो सक्सेस और जो एम्बिशन जिसके लिए जिसके पीछे हम फिरते हैं या जिसको हम एम करते हैं, वो अक्सर औकात, अब आगे फिगरेटिव लैंग्वेज शुरू है, ऑफन नथिंग बट अ मिसिंग ऑफ अ सिंपल रोड अ ट्रबल्ड वॉन्डरिंग अमंग थॉर्न्स बाय पाथ्स एंड डार्क माउंटेन्स। इसका मतलब क्या है कि जहां पे हम नहीं कहते कांटो भरे रास्ते से गुजरना, कांटे किस चीज को शो करते हैं, डिफिकल्टी को, कांटों पे चलना जी बड़ी मुश्किल रास्ता है, कांटों पे चल के वहां तक पहुंचना पड़ता है। दूसरे नंबर पे आता है डार्क माउंटेन्स, यूजली हम डार्क शेडी गलत चीजों को कहते हैं जब कोई रॉन्ग चीज होती है। तो बेसिकली इसकी पूरी इस बात का मतलब ये था, आप में जिन्होंने लिटरेचर की डिग्री की होगी शायद वो इसको पहुंच भी गए हो, बट जो मेरी तरह ले मैन है उनको एक्सप्लेन कर दूं कि इस पूरी कहानी का मतलब ये है कि अक्सर औकात जो एम्बिशन हम या जो एम्स हमारे होते हैं जिनको हम अचीव करना चाहते हैं, वो अक्सर औकात मुश्किल रास्ता होता, हम अक्सर अपने लिए मुश्किल रास्ता चुन लेते हैं और वो मुश्किल रास्ता अक्सर औकात गलत होता है, ठीक है? तो बेसिकली इसकी सिंपल बात क्या है कि हम एम्बिशन और सक्सेस जिसको अचीव करने के लिए दौड़ रहे होते हैं, वो हमें सही रास्ते से, हाँ सही रास्ते से हटा देता है, वो रास्ता गलत होता है और वो रास्ता ज्यादा मुश्किल होता है। मिसिंग ऑफ अ सिंपल रोड, यस मिसिंग ऑफ अ सिंपल रोड इज कि वो हमें सही रास्ते से हटा देता है। दूसरे नंबर पे आपका थॉर्नी पाथ इज डिफिकल्ट और आपका डार्क माउंटेन्स आर द रॉन्ग पाथ, गलत रास्ता। इसकी सिंपल उर्दू ये बनती है कि हम अपने एम्बिशंस और सक्सेस को अचीव करने के लिए अक्सर औकात जो रास्ता अपना लेते हैं वो हमें सही रास्ते से हटा देता है, वो गलत होता है और वो ज्यादा मुश्किल होता है। आप इसको जरा ट्रांसलेट कर सिंपल इस बात की इंग्लिश लिख दें जैसे मैंने आपको बता दी, आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाइफ आर समटाइम्स वेरी डिफिकल्ट एंड रॉन्ग। हाँ हाँ अभी आए के साथ ही कर लें, जो लोग ऑथर साइड के साथ कर सकते हैं कर दें, वरना इसको सिंपली आई के साथ कर दें, हम फिर इसको उस पर करेक्शन करेंगे। द ऑथर फील्स दैट वी चूज द रॉन्ग पाथ इन चेजिंग द एम्बिशन विच इज टफ एट टाइम्स एंड रॉन्ग। टफ भी है और गलत भी है, दो बातें।
Yes. Sometimes the way to ambition we choose is wrong and difficult. Correct. See, अब आपने इतनी लंबी कहानी की वो क्रैक कर ली. अब author feels that we choose wrong and difficult path to achieve our aims. Good. Sometimes we opt very tough designation which creates problems in future. ठीक है, creates कर दे. ठीक है. Journey of ambitions is sometimes feel hard, tough and wrong. Journey of ambitions is sometimes hard, tough and wrong. बीच में feel हटाई दे. Journey of ambitions, इरम. Journey of ambitions is sometimes hard, tough and wrong. ठीक है, उसमें feel हटा सकते हैं. The author says that sometimes we choose wrong path in fulfilling our aims and dreams, which is difficult also. Wrong and difficult दो बातें उसने की. गुड, आप लोग सारों ने काफी बेहतर कर लिया है. अब मैं अपना शेयर करती हूँ कि मैंने क्या लिखा था. आई फील दैट दी एम्बिशन एंड सक्सेस विच वी एम फॉर ऑफन टेक्स अस अवे on the right path and involves difficulties. मेरा ये मिसलीडिंग के साथ इसको लिखें कि डिफिकल्ट है और रॉन्ग है. बस सिंपल डिफिकल्ट और रॉन्ग का वर्ड यूज करें. ठीक है, तो ये फिगरेटिव है और मैंने बहुत मुश्किल फिगरेटिव. हाँ, आई फील पे इसके बाद आ रही. कहा था इफ यू नॉट एबल टू फाइंड अ प्रॉपर मीनिंग देन आपको जैसे समझ आ रही है बस उसको कर दें आपकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, क्योंकि आपके पास पूरा पैराग्राफ होगा. जब आपको पूरा पैराग्राफ समझ होगा, ज्यादा क्या है, नंबर ऑफ वर्ड्स, डोंट गो ऑन नंबर ऑफ वर्ड्स राइट नाउ प्लीज. हाँ, 1/3 अभी नहीं है. मैंने आपसे कहा कि हम जब एक जुमला कर रहे हैं ना बच्चे, प्लीज, मैंने ये बात आपको थोड़ी देर पहले की थी कि आप एक पैराग्राफ में आप 1/3 कर सकते हैं, एक सेंटेंस में नहीं कर सकते. तो अभी हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं. ठीक है, दैट्स ओके. पूरे पैराग्राफ के अंदर देयर आर गोइंग टू बी बिग चंक्स दैट यू बी एक्सक्लूडिंग आउट ऑफ योर पैसेज, सो दैट्स ओके. बहुत सारी चीजें कट रही होंगी, सो डजेंट मैटर. हर जुमले को 1/3 1/3 नहीं करते जाना. हाँ, अब आते हैं आई डिडंट ऐड प्रीच. हमने पैसेज में प्रीच लिखा है ना, विच वी प्रीच एंड सक्सेस फॉर विच वी प्रिपेयर. यार बच्चे, इसने इस तरह कहा हुआ है कि यार एम्बिशन फॉर विच वी प्रीच का मतलब ये है कि यार हम ऐसे एम्बिशन जिनको हम बहुत लेक्चर देते हैं कि ऐसा एम्बिशन होना चाहिए, और ऐसी सक्सेस जिसके लिए हम हर वक्त प्रिपेयर करते रहते हैं. बेसिकली बात यही है. प्रीच एंड प्रिपेयर का मतलब यही है कि वो सक्सेस और एम्बिशन जो हम एम करते हैं अपने. ठीक है, अब लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि जो मैंने प्रेसी बनाई है अपनी, उसके अंदर मैंने लिखा आई. हमने कहा था नो फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन प्रोनाउन. ऑथर फील्स कह सकते हैं, फील जो है ना, हम कहते हैं ऑथर फील्स दैट, या ऑथर सेज दैट, या ऑथर ओपाइंस दैट, या ऑथर इज ऑफ द ओपिनियन दैट. ठीक है, अब ये आता है कि हमने कहा था नो फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन प्रोनाउन. हम आई यू कभी भी यूज नहीं करेंगे. आई वी और यू, मैंने तो यहाँ पे आई यूज किया, तो इसका मतलब इसमें जहां पे आई था, आई विल रिप्लेस इट विद वन ऑफ द फॉलोइंग. कुछ सेंटेंसेस अपने पास लिख लें कि जहां भी आई आएगा उसको मैंने किसके साथ रिप्लेस करना है. नंबर वन, द ऑथर फील्स दैट, द ऑथर फील्स दैट. दूसरे नंबर पे लिखें,
The author states, third, likhe, the author is of the opinion that next, the author thinks or believes, haan, defines because the author thinks or believes. Uske baad hai, according to the author. Uske baad hai, as per the author. You can write any of these. You can use any of these sentences. As per the author, or uske baad hai according to the author. So it can be any one of these. Theek hai? Next example likhte hain, thodi si comparatively easy figurative language ki. Yes, you have to. We can nahi. You have to. So ye phir kya ban jayega? As per the author, yeah, according to the author, yeah, the author feels that the ambition and success which we will be replaced by they, which they aim for, often takes them away. Us ko kahenge them. Wo hum direct indirect karenge, so you will be good at it. Ki kisko kisme convert karna. Theek hai? Aapki present tense means it can be out of those four tenses, it can be any present. As per the usage, you can change it, but present should remain in present. Any form of present is okay. When it's in past, any form of past is okay. Wo aap apni baat ko karne ki time pe aapko feel hoga ki shayad sometimes you'll have to change present perfect, present continuous, present wo, to that's okay. Indefinite. Wo aap apne usage ke hisab se change kar sakte. That's not a problem. But the major tense, present itself should stay present, past itself should stay past, or future itself should stay in future tense. Theek hai? Achha ji. Ye ho gayi ye baat. Them ka concept aapko explain hoga direct indirect mein. Don't worry. There's going to be a whole lecture on it. Hum wahan pe jab bhi direct ko indirect speech mein convert karte hain, to jo aapka us hota hai, wo them mein change hota hai. ठीक है आप कह रहे हैं एक बंदे ने आपको लेटर लिखा जो आपको स्टार्ट मैंने एग्जांपल दी थी वो बंदा कहता है कि हमें मार पड़ी है आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे मार पड़ी या हमें मार पड़ी अगर आप लिखेंगे वो तो आप अपना कह रहे हैं वो किसी बंदे ने खत लिखा जो कह रहा है कि उसको मार पड़ी आप जब किसी सीनियर को बताएंगे तो आप कहेंगे उन्हें मार पड़ी देम दे वर बीटन ठीक है तो जहां जहां पे अस आता है आप उसको देम में कन्वर्ट करते हाँ ठीक है तो ये डायरेक्टर इनडायरेक्टर दैट्स ओके देयर इज गोइंग टू बी अ फुल लेंथ लेक्चर ऑन डायरेक्ट इनडायरेक्ट उस पर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि हम किसको किस में कन्वर्ट करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाते हुए ठीक अच्छा जी नेक्स्ट इज द हैंड दैट रॉक्ड द क्रेडल And brought the kids up had kicked the bucket. पहले इसको बताएं ये कौन सा हाथ होता है जो जो झूला हिलाता है और बच्चों को पाल पोस के बड़ा करता है Which hand is this? A mother's hand. इसका मतलब ये माँ की बात हो रही figurative है ना उसी का मदर भी कह सकता था लेकिन उसने जी कहा जी जो झूला हिलाता है और जो बच्चे को बड़ा करती है उसने बड़ा figurative अंदाज में कहा has kicked the bucket kicking the bucket is an idiom it means zoha is right it means to die ठीक है
हाँ आप बताएं जी कि इसकी प्रेसी क्या बनेगी। द मदर हैड डाइड। हैज क्यों उस्मान? हैड किक्ड द बकेट। प्रेजेंट से आप पास्ट से आप प्रेजेंट में नहीं आ सकते। मदर हैड डाइड ठीक है या द मदर डाइड एग्जैक्ट। ये इसकी प्रेसी बन गई। करेक्ट। अब आते हैं जी कि आपकी प्रेसी इज ऑलवेज इन इनडायरेक्ट स्पीच ठीक है। आपकी हमेशा थर्ड पर्सन में होगी आई और वी और ये चीजें नहीं हो सकती। और आपका जो सा टेंस होगा। अच्छा उस्मान आपने लिखा ऑथर सेड हर मदर डाइड। पहली बात तो ये कि कहीं पे हिम और हर की बात नहीं आई। ऑथर हैज टू रिमेन जेंडर न्यूट्रल। आप ये कह सकते हो द ऑथर्स मदर डाइड विदाउट एक्सप्लेनिंग व्हाट हिज और हर जेंडर इज ठीक है। दूसरी बात ये है कि आप बिला वजह ऑथर नहीं लगाएंगे। जहां पे आए आ गया ना अब आए का कोई जवाब नहीं। आए को अब हमने लिखना तो है कुछ ना कुछ करके वहां पे कह दें द ऑथर सेज दैट दिस एंड दैट। लेकिन यहां पे कहीं जरूरत नहीं थी ऑथर लगाने की तो नहीं लगाएंगे ठीक। जहां पे जरूरी नहीं है वहां पे हम नहीं लगाते। उसमें जो इडियम है वो भी एक्सक्लूड कर दें। इडियम इज कॉम्प्लेक्स इंग्लिश। इडियम जो होती है आपकी मुश्किल इंग्लिश होती है। हमने पहले ही कहा था कि मुश्किल इंग्लिश तो हम डालेंगे ही नहीं। तो हमारा जो इडियम होता है डेफिनेटली उसको आसान अल्फाज में कन्वर्ट करके लिखते हैं। देयर इज नो यूज ऑफ राइटिंग हु ब्रॉट द किड्स अप। एक माँ है कोई डाउट है कि उसने बच्चे बड़े नहीं किए होंगे या उसने बच्चे पैदा करके फेंक दिए बस खुद ही बड़े हो। इट्स ऑब्वियस। तो हम अनइम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को बाय बाय कह देते। तो हमने बेसिकली द हैंड दैट रॉक्ड द क्रेडल एंड हु ब्रॉट द किड्स अप इन दोनों को मिला के लिख दिया जी। ये दोनों चीजें माँ है द मदर ये माँ की बात होगी इस तरह ठीक है। तो ये फिगरेटिव लैंग्वेज। तो आप उसमें बस नॉर्मल लिखेंगे द ऑथर प्लान्ड टू गो टू चेरोकी। व्हाई डू यू हैव टू से हिम और हर। मेक इट जेंडर न्यूट्रल। व्हेन नो जेंडर इज दोनों सही होंगे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था इट हैज टू बी पास्ट टेंस। इट डजंट हैव टू बी द एग्जैक्टली सेम पास्ट। पास्ट इंडेफिनिट हो सकता है पास्ट परफेक्ट हो सकता है। हैड यूज कर दे वेल एंड गुड। वरना पास्ट में भी एज लॉन्ग एज इट इज इन पास्ट इट्स करेक्ट।